दोस्तों आप सभी ने सुमो पहलवान या सुमो रेसलिंग के बारे में तो अक्सर देखा होगा, सुना होगा। सुमो रेसलर एक थुलथुली काया का स्वामी, विशालकाय शरीर का इंसान जो 300 से 400 पाउंड तक का होता है। सुमो रेसलर जिसकी विशालकाय काया को देखकर हम तरह तरह के मीम्स बनाते हैं। यकीन मानिए इस वीडियो में जो हम आपको सुमो पहलवान के जीवन के बारे में जानकारी देंगे, आप वह देखकर सुनकर अचरज में पड़ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम सुमो पहलवान की जीवन से जुड़ी हर चीज पर चर्चा करेंगे। इतना भोजन करने के बाद भी एक दिन में 10-10 हजार कैलोरी का आहार लेने के बाद भी सुमो पहलवान बहुत कम बीमार पड़ते हैं और इन्हें हार्ट अटैक या डायबिटीज इस टाइप की बीमारियां बहुत कम होती हैं। सुमो रेसलिंग के क्या क्या नियम होते हैं, एक सुमो पहलवान बनने के लिए किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, किस टाइप का प्रशिक्षण, अभ्यास या व्यायाम की ज़रूरत पड़ती है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं सुमो रेसलिंग के नियमों के बारे में। दोस्तों सुमो रेसलिंग की शुरुआत जापान में तकरीबन 1500 साल पहले हुई थी। यह खेल आत्माओं के सम्मान में और अच्छी फसल के अनुष्ठान के रूप में किया जाता था, जिसे कामी नाम से भी जाना जाता था। एक सुमो रेसलिंग मैच तब तक शुरू नहीं होता है जब तक दोनों पहलवान एक ही समय पर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ना रख दें। सुमो रेसलिंग का मैच तब तक खत्म नहीं माना जाता है जब तक दोनों में से एक पहलवान का तलवे के अलावा और कोई शरीर का हिस्सा जमीन पर टच ना हो जाए, या फिर एक सुमो पहलवान दूसरे पहलवान को उठाकर रिंग से बाहर ना कर दे। दोस्तों एक खास और दिलचस्प पॉइंट ये भी होता है कि अगर सुमो की मवाशी या हमारी भारतीय भाषा में कहें तो लंगोट, जो उसने मैच के दौरान पहनी होती है, अगर वह गिर जाए तो भी उस खिलाड़ी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों सुमो रेसलिंग जापान का राष्ट्रीय खेल है। हालांकि हमारे भारत के टीवी चैनलों पर यह ज़्यादा दिखाई नहीं देता या बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाकी देशों में यह बहुत प्रचलित है। दोस्तों सुमो पहलवान का भारी भरकम शरीर देखकर आप और हम सभी यही सोचते होंगे कि यह दिन भर खाते ही रहते होंगे, लेकिन दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सुमो पहलवान सिर्फ दिन में 2 बार खाते हैं और उस 2 बार में इन्हें कम से कम 10,000 कैलोरी लेना ज़रूरी होता है। उसके लिए इनके भोजन में तरह तरह की चीज़ें शामिल की जाती हैं, जैसे कि मीट, डीप फ्राई फिश, राइस और बड़े बड़े भगोनों में बना सब्जियों का सूप, जो ये पहलवान मिनटों में चट कर जाते हैं। दोस्तों इतनी कैलोरी वाला खाना खाने के बाद उस खाने को पचाना, यही सुमो पहलवान की खासियत है और इसके लिए उन्हें कड़े प्रशिक्षण या ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए इन्हें 5-5 घंटे रोज कसरत करवाई जाती है। दोस्तों सुमो पहलवान इतनी एक्सरसाइज या मेहनत करने के कारण ही कभी भी हार्ट अटैक, डायबिटीज या इस तरीके की बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में तो फैट होता है लेकिन आंतों में फैट नहीं पहुंच पाता, यानी कि उनके इंटेस्टाइन में फैट नहीं पहुंच पाता। दोस्तों एक अच्छा सुमो रेसलर बनाने के लिए कठिन ट्रेनिंग, अभ्यास और प्रशिक्षण की शुरुआत बचपन से ही कर दी जाती है, तब जाकर 16 साल की उम्र तक एक व्यवस्थित सुमो पहलवान तैयार होता है जिसका वजन 400 पाउंड भी हो सकता है। दोस्तों आपने अपने आसपास में देखा होगा कि जो भी लोग मोटापे से ग्रस्त हैं उनको अक्सर अलग अलग टाइप की बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं, लेकिन एक सुमो पहलवान के साथ ऐसा नहीं होता है। जबकि वह भारी भरकम शरीर वाला इंसान जो एक दिन में 10-10 हजार कैलोरी ले रहा है, उसके पीछे कारण सिर्फ एक नजर आता है, जो है इनकी तीव्र एक्सरसाइज या फास्ट एक्सरसाइज, जिससे इनकी आंतों में फैट इकट्ठा नहीं हो पाता है, जिससे इनका पैंक्रियास, लीवर और अदर ऑर्गन जो होते हैं वो डैमेज नहीं हो। जबकि व्यायाम ना करने के कारण मोटे लोगों के फैट के कारण हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। सुमो पहलवानों पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि सुमो का प्रशिक्षण सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है, जो कम से कम अगले 5 घंटे तक चलता है। इन एक्सरसाइजों में बट जुकारी और गीको जैसे अभ्यास शामिल होते हैं। इन अभ्यासों में ये पहलवान एक दूसरे को मारते हैं और धक्का देते हैं, जब तक कि उनमें से एक पहलवान
थक कर जमीन पर न गिर जाए, क्योंकि सुमो रेसलिंग के नियम के मुताबिक आपके शरीर का सिर्फ तलवा का हिस्सा ही जमीन को टच कर सकता है, उसके अलावा शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन को टच नहीं होना चाहिए। पर एक सुमो पहलवान के जीवन की असली समस्या शुरू होती है उसके रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सुमो पहलवान को अपने खाने में कैलोरी कम करनी पड़ती है और एक्सरसाइज भी वो कम कर देते हैं, जिसके कारण उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और वह आम जापानी नागरिक के मुकाबले 10 साल कम जीते हैं। दोस्तों, ज्यादा खाना खाने के कारण सांस लेने में सुमो पहलवान को काफी तकलीफ होती है, जिसके कारण उन्हें सोते टाइम ऑक्सीजन मास्क लगाकर सोना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई मोटापे से ग्रस्त इंसान है जिसको खाना पीना तला गला बहुत पसंद है, तो उसे यह सलाह आप जरूर दें कि वह खूब खाए, खूब कैलोरी ले। सुमो पहलवान जितनी तो नहीं ले सकता है, 4-5 हज़ार कैलोरी भी लेता है, तो उतनी एक्सरसाइज करे। अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो उसकी आंतों में फैट जमा नहीं होगा, जिससे उसे कोई बीमारी नहीं होगी और जीवन खुशहाल बना रहेगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।